सावन का पहला सोमवार आज पूरे श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर और शिवालयों में भारी भीड़ देखी गई। वैसे तो 14 जुलाई को ही सावन मास की शुरुआत हो गई थी, लेकिन चार दिन बाद सोमवारी पड़ने पर लोगों में ज़बरदस्त उत्साह देखा गया। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि सावन मास भगवान शिव का सबसे प्रिय है। इस पूरे महीने हर तरफ हरियाली खिल उठती है। किशनगंज में सावन की सोमवारी का ये मंजर है। कोरोना ब्रेक के बाद मंदिर और शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इस मौके पर भूतनाथ गौशाला मंदिर में मेला का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने किया। वहीं बेलवा के ओधरा घाट से भक्तजन स्नान कर जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए भूतनाथ गौशाला मंदिर आते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। कांवरियों के स्वागत के लिए जगह जगह शरबत का इंतजाम होता है, जिसमें हर वर्ग के लोग हिस्सा लेते हैं। महादेव भगवान शिव का कि जब पौराणिक कथाएं हम सुनते हैं पढ़ते हैं, तब देखते हैं कि महादेव ने विष का अर्पण किया था और समुद्र मंथन करके समाज के लिए दुनिया के लिए अमृत प्राप्त किया। समाज की जो बुराई है उस बुराइयों को महादेव समाप्त करके समस्त मानव के लिए अच्छाई और प्यार का संदेश देते हैं। और जब हमने अभी कहा कि जब हम जल लेकर के महादेव को अर्पण करने के लिए चलते हैं, तो उस समय एक ही चीज़ होता है, बोलबम और हर हर महादेव। उस समय न कोई जाति होता है, न कोई व्यक्ति होता है, न परिवार होता है। यही भाव बना करके समाज में रखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान दूसरे को सुधारने में लगा हुआ है। प्रत्येक इंसान का एक ही फर्ज है, और वो फर्ज है कि वो अपने आप को सिर्फ सुधार ले। आज दूसरों को सुधारने की प्रथा बहुत ज़्यादा चल रही है, अपने आप को लोग सुधार नहीं पा रहे। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग अपने आप में सुधर जाएं, तो फिर दुनिया किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा, जिस तरह का भावना, जिस तरह की कटुता समाज में राजनीतिज्ञों के द्वारा, नेताओं के द्वारा फैलाया जा रहा है, आज पूरा समाज का माहौल जो गंदा होता जा रहा है, ये इसका कारण सिर्फ है कि नेता अपनी दुकानदारी चलाने के लिए समाज के अंदर गंदगी और समाज के अंदर भेदभाव फैला रहे हैं। इसके बदले उनको समाज को जोड़ करके अपने क्षमता पर, अपने काम के बल पर लोगों का दिल जीतना चाहिए। और जब काम के बल पर, विकास के बल पर, अच्छे कार्यों के कारण लोग दिल जीतेंगे, तब वहाँ जाति धर्म का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आज का जो माहौल है, उस माहौल में लोगों ने समाज को भटकाने का प्रयास किया। अब महादेव की कृपा से सावन का पहला आज सोमवारी है। हम चाहेंगे कि इन लोगों को भी समाज ने, जो ऐसे लोग हैं जो समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, कटुता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं महादेव से यही आज प्रार्थना करता हूं कि सबके मन में अच्छी भावना दी। अररिया के ठाकुरबाड़ी शिवालय और काली मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। नगर के सुंदरी मठ, बसैठी शिव मंदिर और अन्य शिवालयों में भी सुबह से भक्त पहुंच रहे थे और जलाभिषेक किया। इस दौरान फॉरविसगंज में भी मठ मंदिरों में रौनक देखी गई। भक्तों की भारी भीड़ के मद्देनज़र प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। 150 वर्ष से ऊपर हो गया, हम लोग को तो जन्म भी नहीं है, उससे बहुत पहले का है। और अपना पूर्वज ही सब तो, अब तो सावन मास शुरू हो गया, सावन महीना एकदम पुण्यमास आ गया, शुरुआत हो गई है। हमारी प्रधानमंत्री भी देवघर में कल पूजा अर्चना किए, देखे शिव भक्त हैं, परम भक्त हैं,
देश भक्त सावन मास में क्या सावन में यहाँ भी समस्त प्राणियों के लिए नगरवासियों के लिए सुख शांति समृद्धि के लिए मैंने बहुत कुछ जो भी हमसे बन पड़ा वो करते रहते हैं समय समय पर। और अभी सावन मास में जो है भक्त लोग सवेरे से जो है लगे रहते हैं, अपार भीड़ भी सवेर में और रहता ही पूरे सावन में, एक महीना तक भीड़ लगा रहता है सावन में भक्तों का।